This theorem is primarily the only theorem from this chapter, theorem 10.2, which is important for the exam and primarily for 2 marks. बहुत ज़्यादा नहीं है, it is nothing like midpoint theorem, BPT theorem और Pythagoras theorem. उतनी important नहीं है, but yes, मुझे इसका result आना चाहिए. As a student, हमें ये result आना चाहिए. क्या कह रहा है? Please understand. The length of tangents. तो एक टेंजेंट से कहां चला गया? दो टेंजेंट पे. ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. ठीक है, यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं, ड्रॉन फ्रॉम एन कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. अगर ये मेरा कोई सर्कल है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये मेरा एक सर्कल है, ये एक मेरा कोई पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि उसने वर्ड क्या लिखा है, एक्सटर्नल. इस कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट जब भी बनेंगे वो हमेशा ऐसे बनेंगे. प्लीज इफ यू अंडरस्टैंड. और एक इधर जाएगा. इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? क्या करें? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स. अगर मैंने ये पॉइंट को दे दिया नाम ए, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कौन है? एक ए बी और एक ए सी. फ्रॉम द कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट ए आर इक्वल, मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल्स टू ए सी. ये स्टेप समझ आया? तो हाउ वी कैन राइट डाउन, कोई भी ज्योमेट्री क्वेश्चन होता है, इफ यू रिमेंबर, वी ऑलवेज स्टार्ट विद गिवन टू फाइंड टू प्रूव एंड ऑल. सबसे पहले गिवन क्या है मेरे पास? गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ. अ सर्कल विद सेंटर ओ, तो यहां पे मैंने एक सेंटर क्रिएट कर लिया. ओके, सेकंड क्या गिवन है? ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स. ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स टू दी सर्कल. ओके, बस उसने इतना दिया. टू फाइंड में या टू प्रूव में यहां पे क्या कह रहा है? ए बी इक्वल्स टू ए सी. हमें क्या प्रूव करना है? दैट ए बी और ए सी क्या है? इक्वल है. अब आ जाओ, देर इज अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में क्या ले रहा हूं? ज्वाइन ओ ए, सॉरी ओ बी एंड ओ सी विच आर बोथ रेडियाई. यस और नो? इज दैट ओके? बोलिए. ठीक है, एंड ज्वाइन ओ ए. एक सेकेंड. ज्वाइन ओ बी और ओ सी दोनों रेडियस को मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया. And the other thing which I have joined is OA. पहली बात क्लियर? Because this is radius, तो ये perpendicular होगा. This is radius, ये perpendicular. हमारी पहली थ्योरम क्या कह रही है? Radius is always perpendicular to the tangent. So this point is clear. Now come down to the proof. In triangle OAB and triangle ओ ए सी, कैन आई राइट डाउन एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू? एनी डाउट? ईच 90. क्यों 90 degree? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. इज दैट ओके? नेक्स्ट, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियाई प्लूरल लेंगे, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ ए. तो क्या ये रिजल्ट बना? प्लीज अंडरस्टैंड, एस एस ए आर एच एस, क्लियर कट. क्यों? इस 90 डिग्री के लिए ये क्या एक्ट कर रहे हैं? हाइपोटेन्यूज. यही चाहता था कि आप समझो, एस एस ए नहीं दिख रहा, बट क्योंकि 90 डिग्री एंगल है तो आर एच एस दिख रहा है. तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा? ट्राइंगल ओ ए बी is congruent to triangle OAC using RHS congruency. Is that okay? अगर ये है तो CPCT result में मैं क्या लिख सकता हूं? AB, naming अच्छी हो तो बिल्कुल सही हो जाता है. AB is equals to using CPCT result. तो यहां से क्या निकला सामने? कि भाई the tangents from the common external point टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल.
अब मैं यहीं से दूसरी चीज भी अगर आपको पूछूं, क्या एक पॉइंट से दो से ज्यादा टेंजेंट्स निकल सकते हैं? एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से दो से ज्यादा टेंजेंट निकल सकते हैं? कभी भी नहीं। खुद सोचो, अगर मैं यहां पे बनाने की कोशिश करता तो बीच में इंटरसेक्ट कर लेता, बाहर जाने की कोशिश करता तो टच ही ना करता। तो हर बार एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स निकल सकते हैं? दो। प्लीज नोट,